नमस्कार एवरीवन, आई विश आप सभी अच्छे हैं। मैं आपका किरण कुमार सिन्हा। तो गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मेरे इन लॉज के घर जा रहा हूँ। वो दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट में आता है आसाम के, वो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में है, और मेरा घर है आपका कछार डिस्ट्रिक्ट सिलचर से। तो मैं जितना खुश हूँ, मेरे से ज़्यादा खुश है मेरी वाइफ धर्मपत्नी मीनाती। तो गाइस देखिए, मेरी वाइफ और मेरी माँ और मिनी सब रेडी है ऑलमोस्ट। तो अभी निकलेंगे, अभी थोड़ी देर में। बस एक चीज़ लेना भूल गया, जो मेरी जो डॉगी है मिनी, मेरी बेटी, उसका मैं जो जो बाउल है खाने का वो लेना भूल गया, वो ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। ये है आपका मिनी का जो घर, तो वो है उसका बाउल्स। तो अभी मैं धो के रेडी कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को, स्पेशली सिलचर के लोगों को बाईपास के बारे में पता होगा, तो हम लोग बाईपास के थ्रू से हम लोग निकल गए। हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, लाइक मेरी वाइफ, मेरी मम्मी और आंटी, वो लोग पीछे बैठे हैं। मेरे साथ बैठी है मिनी, एकदम मिनी एकदम कंफर्टेबली ऐसा लग रहा है कि वो सोफे पे बैठी है और सिर निकाल के बाहर की तरफ देख रही है। और ड्राइव कर रहा है मेरा छोटा भाई शुभम। तो मेरी वाइफ लाइक शी इज़ वेरी पंक्चुअल, और बहुत पंक्चुअल है और डिसिप्लिन है। जो टाइम डिसाइड होता है उससे कम से कम 15 मिनट पहले वो रेडी होकर रहती है, और हमेशा मैं जब भी उसके साथ कहीं जाने के लिए रेडी होता हूँ वो हमेशा डांटती रहती है। आई मीन इतना मैं लेजी क्यों हूँ, इतना स्लोली क्यों रेडी हो रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो गाइस चलते हैं अभी इन लोग के घर, और बीच में जो कुछ सिनारियो होगा लाइक सिलचर से करीमगंज तक, वो मैं दिखाता रहूँगा आप लोगों को। गाइस देख सकते हैं जो सिनारी, लाइक ये आप देख सकते हैं मासिमपुर जो मिलिट्री कैंप है, और ये आपका आगे होगा जो गागरा ब्रिज बोलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मिनी, हमारी मिनी ट्रेन को देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही है ट्रेन दिखता कैसे रास्ते से। आई मीन मेरी वाइफ ने कुछ नट्स लिए तो सभी खा रहे, वाइफ हिमा और जेठी सब मिलके खा रहे। मैं और मिनी फास्टिंग में नहीं खाएंगे हम लोग। आप देख सकते हैं मतलब जो हाईवे का जो नज़ारा है कितना अच्छा है। बारिश हुआ था कुछ दिन पहले, तो थोड़ा सा पानी जमा हुआ है साइड साइड में। ये हम लोग काठागाल में पहुंचे हैं, इस एरिया को काठागाल बोलते हैं हम लोग।